हालेलुया, खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होगी। आओ असीं कढ़ांगे व्यवस्था सार 27:26। व्यवस्था सार 27:26 विच लिखिया आ, शराबी होवे ओ जिहड़ा इस व्यवस्था दीआं गल्लां नूं मन के पूरा ना करे तां सारी प्रजा आखे आमीन। खुदा दा धन्नवाद करदे पढ़े हुए वचन दे लई, आओ सब मिलके प्रार्थना करांगे। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम दी महिमा, तेरे नाम दी वड़ियाई करदे हां खुदा प्रभु जी। अज असीं स्थान विच खुदावन तेरे वचन दे अनुसार खड़े हां प्रभु जी, तेरी महिमा तेरी उपासना करन दे लई खुदावन दा। ते सचमुच खुदावन प्रभु जी, जिहड़ा मनुख खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे वचना दे उपर नहीं चलदा खुदावन, वो शराबी मनुख है खुदावन प्रभु जी। क्योंकि संत पौलुस ने भी कहा सी, जिहड़ी सिक्ख्या असीं तुहानूं दिंदे हां, जे सिक्ख्या तों इलावा कोई होर सिक्ख्या तुहानूं दे ते वो शराबी होवे। सचमुच खुदावन प्रभु जी, तेरी सिक्ख्या तों इलावा खुदावन दा, तेरे वचना की सिक्ख्या तों इलावा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जे मनुख खुदावन प्रभु जी यीशु मसीह वचन तों बाहर कोई भी काम करता है खुदावन, जे अपनी मर्जी भी करता है ते वो शराबी है खुदावन प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी, अज दे संदेश नूं खोल मेरे महान पिता, हरेक दा हिरदा प्रभु जी तेरे संदेश दे नाल छिद जावे खुदावन, ते प्रभु यीशु मसीह सब जान जाण खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन सच है ते आमीन है, तू जो बोलता है खुदावन उही करदा है खुदावन दा। ते सचमुच खुदावन दा प्रभु यीशु मसीह, अज बहुत से लोग खुदावन दा शराबी हो चुके हैं खुदावन, जिन्हां ने तेरी व्यवस्था की पालना नहीं की खुदावन, वह अन्ने हो चुके हैं खुदावन दा। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ, कोई है एक छोटा झुंड है खुदावन, जो तेरी लाड़ी है, जिसने तेरे वचन को सुनिया है, मनिया है खुदावन दा, ते तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करती है खुदावन। तू दया कर, कृपा कर, आज के संदेश को खोल खुदावन, बोलन वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, बोलन वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे, तेरे प्यारे मिठे जलाले नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मांगदे हां, आमीन। हालेलुया, खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ व्यवस्था सार 27:26 विच, असीं पढ़िया साफ ते क्लीयर लिखिया आ, शराबी होवे ओ जिहड़ा इस व्यवस्था दीआं गल्लां नूं मन के पूरा ना करे। बाइबल साफ बयान कर रही भी शराबी होवे ओ बंदा जिहड़ा इस व्यवस्था दीआं गल्लां नूं मन के पूरा ना करे। अज तुहानूं पता बहुत लोग इस व्यवस्था दीआं गल्लां नूं मन के पूरा नहीं कर रहे, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, ते अपने आप नूं भेड दसण दी कोशिश भी कर रहा है, अपनी मर्जी भी करनी ते अपने आप नूं भेड वरगू दसण दी कोशिश भी कर रहा। हर एक मनुख कह रहा भी मैं खुदा दी भेड हाँ। लेकिन देखो बाइबल की बयान कर दी आ, बाइबल बयान कर दी आ, यीशु मसीह कहिंदा मेरियां भेडां मेरी आवाज नूं सियाण दियां हन। खुदा दी भेडां खुदा दी गल नूं भी मनदियां ने, लेकिन इत्थे बाइबल बयान कर दी आ भी लोग उहदी व्यवस्था नूं व्यवस्था दीआं गल्लां नूं मन के पूरा नहीं कर रहे, इस करके खुदा बंद उहनां नूं शापित कह रहा है। लेकिन एक छोटा झुंड है जिहदा नाम लाड़ी है, ते ओ खुदा दी व्यवस्था ते चलदी है, ते खुदा दे वचनां नूं मनदी है, इस करके खुदा ने वायदा कीता मैं अपनी दुल्हन नूं लैण बहुत जल्दी आ रहा। क्योंकि वचनां नूं कौन पूरा कर सकदा, वचनां नूं सिर्फ उहदी लाड़ी पूरा कर सकदी आ। कोई भी मिशना जथेबंदियां डिनोमीनेशन चर्च उहदी गल्लां नूं पूरियां नहीं कर सकदी, क्योंकि उहनां दे लई इह वचन नहीं हन। इह वचन किहदे लई है? खुदा दा वचन सिर्फ भेडां दे लई है। ते खुदा की करदा, अपनी भेडां नूं चारदा है, एक अच्छा याली की करदा आ, अपनी भेडां दी रखिया करदा आ। उसने कहा सी, मैं संसार दे इस जगत दे अंत तक सदैव तुहाडे नाल हां। किहदे नाल है? खुदावंद है किहदे नाल आ? खुदावंद बकरियां दे नाल नहीं, खुदावंद अपनी भेडां दे नाल है। क्योंकि खुदावंद अपनी भेडां नूं प्यार करदा है, ते खुदा दीआं भेडां की करदियां हन? अपने अयाली दी, अपने चरवाहे दी आवाज़ नूं जाणदियां हन, पछाणदियां हन। क्योंकि उहदा सिपाही इस तरह हुंदा, एक विश्वासी भैण भाई हमेशा वचन दे उपर की करदा, आमीन बोलदा है। कदे भी एक विश्वासी वचन तों बाहर काम नहीं कर सकदा। अज असीं वेखदे हां लोग अपने आप नूं विश्वासी कहिंदे हन, भी असीं संदेश दे विश्वासी हाँ, लेकिन जदों तुसीं उहनां दा जीवन चैक करो, जीवन नूं टटोलो, ते तुहानूं ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੇਡ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ,
कदे भी सवाल जवाब नहीं करता। एक विश्वासी की निशानी होंगी है, लेकिन जो एक विश्वासी खुदा दे अगे प्रार्थना करता तो खुदा उसकी प्रार्थनावां भी सुनता है, क्योंकि वह उसकी भेट होंगी है खुदा की। इस करके अज पता होना चाहिए आ भी एक जी भेट आ एक भेट का सुभाव कि होना चाहिए आ। अज मैं तुहानू भेटा के सुभाव बारे दसूँगा क्योंकि खुदा ने इस बारे दस्या है। आओ असी कढ़ांगे संत यूहन्ना 10 अध्याय। यूहन्ना 10 अध्याय 10 दी 7 तो पढ़ांगे। असी एक तो ही पढ़ लैंदे आ। मैं तुहानू सच आखदा हाँ कि जेड़ा भेड़ां दे बाड़े विचों विच बूहे खाणी नहीं वड़दा पर होर पासिओं वड़दा है वह चोर है अते डाकू है, पर जेड़ा बूहे थाणी वड़दा है वह भेड़ां दा आयाली है, उसदे लई दरबान खोल दिंदा है अते भेड़ां उसदा बोल सुनदियां हन अते वह अपनियां भेड़ां नूं नाउ लैके बुलाउंदा है अते वह उहनां नूं बाहर लै जांदा है। हुण जेड़ा आयाली हुंदा आ, अयाली हमेशा दरवाजे थानी आंदा ते अपनियां भेड़ां नूं आवाज मारदा आ, लेकिन जे कोई दरवाजे थानी नहीं आंदा आ ते ओ कौन आ? चोर ते डाकू है, क्योंकि खुदा दा वचन इसे तरह दसदा आ। उसदे लई दरबान खोल दिंदा है अते भेड़ां उसदा बोल सुनदियां हन अते ओ अपनियां भेड़ां नूं नाउ लैके बुलाउंदा है अते उहनां नूं बाहर लै जांदा है। जदों अपनियां भेड़ां नूं कढ चुकदा है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆ? ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ मेरे पिछे हो तुर। जदों कोई यीशु मसीह दे वचन दे पिछे हो तुरदा आ ते ओ निशानी हुंदी आ भी ओ खुदा दी की आ भेड़ आ, क्योंकि भेड़ां ही अपने अयाली दी आवाज़ नूं पछाणदियां हन। इस करके बाइबल दे विच दुष्टांत दे विच गल्लां लिखियां हन, खुदा समझा रहा है ओ पराए दे मगर कदे ना जाणगियां सगों उस तों नस जाणगियां, क्योंकि पराइयां दी आवाज़ नहीं पछाणदियां। जिहड़े खुदा दे विश्वासी लोग हुंदे आ ओ कदे किसी पराए दे मगर नहीं लगदे। कोई भी उन्होंने आवाज़ मारे, संसार का कोई भी लोभ उन्होंने आवाज़ मारे, खुदा दे विश्वासी लोग कदे वो संसार दे पिछे नहीं जाते, पराया दे पिछे नहीं जाते, लेकिन खुदा दे असली विश्वासी सच्चियां भेड़ां हमेशा खुदा दे वचन दे विच रहिंदियां हन। वो कदे भी पराए की आवाज़ नूं सुनदियां नहीं हन। यीशु ने यह दृष्टांत दे के उन्होंने आख्या, पर वो समझे ना समझे भई ये की है, ये गल्लां जिहड़ियां वो सानूं आखदा है। हुण यीशु मसीह अपने चेलियां नाल गल कर रहा सीगा, लोकां दे नाल उस समय गल कर रहा सी, लेकिन वो लोग समझ नहीं सके भी ये है की गल, यीशु मसीह किस चीज बारे गल कर रहा है। लेकिन साडे युग दे नबी ने इस विभेदता नूं खुल के सानूं समझा दिता है, क्योंकि नबी द्वारा वचन खोल दिता गया। भाई विलियम मैरिन ब्रानम द्वारा उत्पत तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दिती गई। कोई भी भेद हुण बंद नहीं आ, सब भेद खुल चुके हन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੋ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬੂਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਵੀ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੁਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਭੇਡ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭੇਡ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇਗੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੇਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਭੇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਿਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਿਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਭੇਡ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗੁਆਚਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਿਨਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਮਿਣਵਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਭੇਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਣ 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 ਕਰਦੀ ਆ, ਭੇਡ ਵੀ ਮਿਣ 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 ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਭੇਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਿਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਗਲਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੈਵ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮਰ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੇਡ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਡਾਂਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਤੂ ਹੈ ਭੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਛਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਛਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ
ਗਰਮੈਸ਼ ਤਪਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅੱਛੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੰਗੀ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰੋਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਗਰਮਾਹਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ? ਸਿਰਫ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਰੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇੜ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇੜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
अपने अयाली की आवाज नूं भेट की करती है, सुनती है। तो एक विश्वासी बंदा हमेशा खुदा के वचन पिछे चलेगा। अलीशा ने की कहा सी, एलिया के मगर मगर तुरदा सी अलीशा। एलिया कहिंदा तू जा, कहिंदा मैं तैनूं छड्डूंगा नहीं, कहिंदा मैनूं तेरा दोहरा मसा चाहिदा। वह कहिंदा तैनूं की चाहिदा, कहिंदा मैनूं तेरा दोहरा मसा चाहिदा है। एक सच्चा विश्वासी हमेशा अपने अयाली के पिछे चलता, क्योंकि वह जानता सी एलिया के अंदर कौन रहिंदा है। अलीशा जानता सी भी एलिया के अंदर खुद खुदावंद वो अग का पिलर ऑफ फायर वो अंदर रहिंदा है, इस करके उन्हें छड़दा नहीं सीगा। अज बहुत लोग अपने सेवक नूं छड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उस अखां का वेख नहीं पाते जिहड़ी अखां अलीशा दे कोल सी। उस अखां का वेख नहीं पाते भी सेवक के अंदर किहड़ा आत्मा रह रहा है। उन्हां नूं पता नहीं लगता भी खुदा का आत्मा सेवक के अंदर है, इस करके उन्हें अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जिहड़े बकरियां हन, संसारिक लोग हन, वह वचन तो ठोकर खा जाते हैं। वह कहते बड़ा औखा आ, असं नहीं चल सकते। जो यीशु मसीह ने कहा सीगा, मेरा मांस ते लहू खाओ जे तुहानू जीवन चाहिए, ते सब लोग उहदे कोलों दूर चले गए, ठोकर खा गए। लेकिन प्रभु ने अपने बारह चेलियां नूं कहा कि तुसी भी जाना चाहते हो, ते पतरस उन्होंने की किया, वह कहते प्रभु जी जीवन की गल्लां तां तेरे कोल हन, असीं कित्थे जाइए। जीवन की गल्लां नबी दे संदेश विच हन। जे तुसी नबी दा संदेश छड़ के भटकदे फिर रहे हो ते तुहाडे कोल जीवन नहीं है। जीवन दी गल्लां जे तुहानू चाहीदियां ते नबी दे संदेशां विच तुहानू जीवन दी गल्लां मिलणगियां, क्योंकि बाइबल बंद पुस्तक है ते नबी द्वारा इस बंद पुस्तक नूं खोल के संदेश बनाए गए, संदेश छापे गए। 1200 तों वध संदेश भाई विलियम मैरिज ब्रैनम दे छाप दिते गए, क्योंकि बाइबल नूं कोई बंदा समझ नहीं सकता। बाइबल का कोड कौन? बाइबल का कोड भाई विलियम मैरिन ब्रैनम है। इस करके जे कोई बाइबल दे बाइबल नूं समझना चाहता तो उन्हूं बाइबल दे कोड उपर विश्वास करना पैना है, बाइबल दे कोड दीयां गल्लां नूं मनना पैना है। क्योंकि मोबाइल खोलण दे लई एक कोड हुंदा, जिद तक तुसीं कोड डायल नहीं करोगे मोबाइल तुहाडे अगे खुलेगा नहीं, या कंप्यूटर तुहाडे अगे खुलेगा नहीं। इसे तरह बाइबल का कोड भाई विलियम मैरिन ब्रैनम है। तुहानू विश्वास करना पैना भी सत्तवां दूत ते चौथा एलिया भाई विलियम ब्रैनम है, फिर तुहाडे उपर बाइबल खुलनी है। ते सब तो पहला काम की है, फिर अपने अपने गुनाह पापा की माफ़ी लई प्रभु येशु मसीह के नाम से बसमा लेना पैना, तां तुहानू पवित्र आत्मा का दान मिलना, नहीं तो तुहानू पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। तो ये काम कौन पूरा करेगा? कि बकरियां ढोंगी विश्वासी इस काम नूं करनगे? आ विश्वासी इस काम नूं करनगे? नहीं, सिर्फ विश्वासी ही वचन नूं की करदा, पूरा करदा। इस गल नूं हमेशा याद रखना, वचन नूं पूरा सिर्फ विश्वासी करदा है जो खुदा दा वचन कहिंदा। बकरियां कदे भी वचन नूं पूरा नहीं करनगियां। आ विश्वासी लोग ढोंगी विश्वासी कदे वचन नूं पूरा नहीं करदे, क्योंकि तीन तरह के विश्वासी हुंदे आ बाइबल बयान करदी आ। लेकिन वचन नूं पूरा कौन करदा है? वचन नूं पूरा सिर्फ विश्वासी करदे आ, हर एक वचन नूं पूरा करदे आ। ओह इह नहीं कहिंदे इन्नी वड्डी बाइबल आ किहड़े किहड़े वचन नूं पूरा करिए, हैं दुनियादारी च भी चलना। खुदा दे लोक कदे इह गल नहीं कहिंदे, क्योंकि खुदा दी भेड वचन नूं पूरा करन दे लई बनाई गई है। खुदा दे विश्वासी लोग इस धरती ते तां आए आ ताकि उह वचन नूं पूरा कर सकन, क्योंकि विश्वासी कदे गलती नहीं करदा। मेरी गल नूं हमेशा याद रखना, विश्वासी हमेशा की करता? वचन के अनुसार जीवन बतीत करता है। तो साडे युग का नबी कहता ताडा जीवन एक भेड़ की तरह की होना चाहिए है। अते एक असली अच्छी मसीह संगति की गरमाहट इसका बहुत मतलब है। नबी कहता एक असली मसीह संगति का बहुत बड़ा मतलब होंगे। जे तुसी असली मसीह संगति में जाने इहदा मतलब कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मतलब आ असली मसीह संगति का। क्योंकि दाऊद ने जबूर एक दे एक विच की किया, आओ असीं कढ़ांगे दाऊद ने की किया जबूर एक दे एक दे विच, जबूरा दी पोथी एक दे एक विच दाऊद ने किया आ, धन है ओ जेड़ा दुष्टां दी, धन है ओ जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखोलियां दी जुंडी विच बहिंदा है।
पर वह यहोवा की व्यवस्था विच मगन रहिंदा अते दिन रात उसे की व्यवस्था उत्ते ध्यान दिंदा है। हुण एक सच्चा विश्वासी किदां दा हुंदा आ, असीं बाइबल चों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जबूरा की पोथी विच क्या आ, दाऊद ने भी किदां दा एक विश्वासी हुंदा आ। ठीक है, मैं फिर पढ़ दिंदा तुहाडे लई, धन है वह जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा, ना मखोलियां दी जुंडी विच बहिंदा। जिहड़ा एक विश्वासी हुंदा आ, ठीक है, वह धन मनुख हुंदा आ, वह कदे भी दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। दुष्ट लोग कहड़े आ, जिहड़े तुहानूं संसारिक गल्लां विच लैके जांदे आ, वह कहिंदे छड्डो वचन नूं, संसार वल देखो की करना। वह दुष्ट लोग ने जिन्हां नाल तुसीं संगतियां करदे आ, ते एक विश्वासी कदे भी दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलता। जो दुष्ट कहिंदा उहदी गल नूं, कदे भी विश्वासी बंदा नहीं मनूगा, हमेशा उहदी गल नूं कढ दूगा। ना पापियां दी राह विच खड़ा रहिंदा, ना मखोलियां दी जुंडी विच बहिंदा है, पर वह यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा है। कौन मगन रहिंदा आ? बकरियां नहीं, खुदा दियां भेड़ां। जिहड़ी खुदा दी असली भेड़ हुंदी आ, उही की करदी आ, व्यवस्था विच मगन रहिंदी आ। पर यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा है अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्थे ध्यान करता है। विश्वासी की करता है? अज विश्वासी कहण वाले बंदे नूं पुछ लो, खुदा दे वचन दे लई तुसी की करना? वह कहूगा साढ़े को समा नहीं है, असी अपना जीवन नहीं दे सकते, असी खुदा दे नाल संगति नहीं कर सकते, असी कदे कदे आ सकते हैं। लेकिन जिहड़ा विश्वासी हुंदा, बाइबल बयान करदी, दिन रात व्यवस्था उत्ते ध्यान करता आ। एक जिहड़ी भेड़ हुंदी खुदा दी, वह दिन रात खुदा दी व्यवस्था ते ध्यान रखदी। इक भेड़ की करदी? हमेशा अपने अयाली दी आवाज नूं सुणदी है कि मेरा अयाली कह की रहा है। दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान करता है। वह तां बिरछ उस बिरछ वर्गा होवेगा जो पानी दीआं नदियां उत्ते लाया होया है, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा है, रुत सिर अपना फल दिंदा है, जिसके पत्ते नहीं घुमलाउंदे। एक विश्वासी के पत्ते कदे घुमलाउंदे नहीं आ, वह हमेशा फल दिंदा आ। फल देण दा मतलब उहदे जीवन दे विच हमेशा फल प्रगट हुंदे आ, खुदा दे गुण प्रगट हुंदे उहदे जीवन दे विच हमेशा, अते जो कुछ वह करे सो सफल हुंदा है। जो कुछ विश्वासी करदा आ वह सफल हुंदा है, कदे भी विश्वासी दे कम्मां विच रुकावट पैदा नहीं हुंदी, क्योंकि जो कुछ वह करदा हमेशा वह सफल हुंदा रहिंदा है। इस करके विश्वासी ते भेड़ां नूं एक बनाया गया है, उहनां दे सुभाअ नूं मैच किया गया है, भी किदां दा इक सुभाअ विश्वासी का हुंदा, किदां दा इक सुभाअ भेड़ का हुंदा है। ठीक है ना, जिदां भेड़ अपनी अगवाई आप नहीं कर सकती, एक विश्वासी भैण भाई भी अपनी अगवाई आप नहीं कर सकता। जदों शैतान तुहाडे मन च पाउंदा ना, नबी ने कहा भी मैनू अगे तो चर्च जाने की कोई लोड़ नहीं, बड़ी डांट पैंदी आ, ते समझ लो तुहानू शैतान ने फड़ लिया है, तुसीं शैतान दे नाल संगति कर रहे हो, जिहदा इहो जे विचार तुहाडे अंदर आ जाण। लेकिन जदों तुसीं कहिंदे हो भी मैनू डांट पवे, कुछ भी होवे, मैं खुदा दे घर नूं छड्डणा नहीं आ। एलिया कहिंदा सी एलीशा नूं तू जा, वह कहिंदा नहीं मैं तैनूं नहीं छड्डांगा। क्यों? क्योंकि वह जानता सी भी उहदे अंदर वचन है। इसे तरह जदों एक भेड़ एक विश्वासी जानता आ भी मेरे अयाली जिहड़ा मैनूं चरा रहा आ उहदे अंदर खुदा दा वचन रहिंदा आ, उहदे अंदर खुदा रहिंदा, तुसीं कदे भी उस चर्च नूं उस पास्टर नूं छड्ड के नहीं जाओगे। जे तुसीं समझ जाओ भी तुहाडे सेवक दे अंदर कौन, लेकिन जदों तक तुसीं आप वह आत्मा नूं पाउंदे नहीं आ, तुसीं उस आत्मा नूं वेख भी नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बयान करती है साडे युग दे नबी ने कहा डुंगियाई डुंगियाई नूं पुकारदी है। जे तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुसीं पछाण जाओगे भी दूसरे बंदे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। लेकिन जे तुसीं खाली हो तुहानूं पता नहीं लगना भी आत्मा तुहानूं की कह रहा है, शरीरक बंदा किदां दा हुंदा ते आत्मिक बंदा किदां दा हुंदा, तुहानूं पछाण नहीं आवेगी कदे भी। लेकिन जे तुसीं खुद आत्मिक हो तुहानूं पता लग जाएगा, क्योंकि जिहड़ी खुराक तुहाडी होवेगी उही खुराक तुहाडे गवांढी दी भी होवेगी। ठीक है ना, तुहानूं पछाण होवेगी विश्वासी किदां दा हुंदा है, जे तुसीं खुद एक विश्वासी होवोगे। और नबी ने कहा खुदा द्वारा बचाए हुए संत कोल जाना पसंद करदा हाँ, कहिंदा मैं उन्हां लोकां को जाना, नबी कहिंदा भी उन्हां लोकां को जाना बहुत वधिया जिहड़ा खुदा वल्लों बचाए गए आ। ठीक है ना, जिहड़े वड्डे नहीं गए, हुण तुहानूं पता आ
नबी ने कहा एक दरख्त सीगा ओनू वढ़ दिता गया ते की तुसी इस दरख्त थले जाके छां लै सकदे हो नहीं लै सकदे जिहड़ा दरख्त वड्या गया आ ओदी छां तुसी लै नहीं सकदे लेकिन जिहड़ा दरख्त हरिया भरिया आ फलां दे नाल भरिया आ जिहदे पत्ते कुमलाए नहीं आ झड़े नहीं आ तुसी उस दरख्त दे थले जाके छां लै सकदे हो नबी कहिंदा अते उन्हां दीआं जड़ां अजे भी खुदा दे प्यार विच डूंघियां हन जिहड़े विश्वासी दीआं जड़ां हले भी खुदा दे प्यार च डूंघियां आ ना ओह विश्वासी हमेशा तुहानूं सहारा देवेगा ओह खुदा दा जन हमेशा तुहानूं की करेगा सहारा देवेगा इसे तरह दे व्यक्ति कोल जाणा अते संगती करन संगती दा थोड़ा जिहा समां लैण दा की मतलब है इसका बहुत कुछ मतलब है नबी कहिंदा एक तो वड्डिया गया आ जिहदे कोल तुहानूं कोई छां नहीं मिल सकदी लेकिन एक जड़ा दे नाल मजबूती दे नाल खड़ा है उस बंदे को जे तुसी जाके संगति करदे हो ते तुहानू बहुत कुछ लाभ हो सकदा है ठीक है ना इस करके नबी कहिंदा प्रभु ने कहा दरवाजा मैं हाँ मैं हमेशा अचरज करदा सी कि वह दरवाजा किवें हो सकता है हुण जिदा यीशु मसीह कहिंदा भी दरवाजा तो मैं हाँ हुण नबी कह रहा भी बड़ी मैं सोचदा हाँ बार बार भी दरवाजा किदां हो सकता प्रभु जदों मैं पूर्व सी तां मैनूं पता लगा कि उस लिखत दा की मतलब है नबी कहिंदा जदों मैं पूर्वी देश च सीगा ते मैनूं पता लगा भी इसदा मतलब की आ उसने इत्थे कहा दरवाजा मैं हाँ क्योंकि यीशु मसीह कहिंदा दरवाजा मैं आ अते जिहड़े भी मेरे कोल अगे आउंदे हन वह डाकू अते फिर कहिंदा वह डाकू हन अते फिर मैं हैरान सी कि किवें सी क्योंकि यीशु मसीह कहिंदा दरवाजा मैं ते नबी कहिंदा दरवाजा यीशु मसीह हो कितना सकदा है हुण नबी ने इस चीज़ां नूं समझाया आ भी यीशु मसीह कितना दरवाजा हो सकदा है अते पूरब विच किवें उह अपणियां भेड्डां दी देखभाल करदे हन अयाली उन्हां नूं रात नूं अंदर लिआउंदा है अते उन्हां नूं गिणदा है अते गिणदा है भई उह हर एक अंदर है हुण की करदे आ जिहड़े अयाली हुंदे आ अपनी भेड्डां नूं गिणदे आ उन्हां देखभाल करदे आ वो देखते हैं भी वह पूरे हैं जिन्ने गिनती विच है कि नहीं है पूरे भेड़ा जा नहीं जे कोई गुम है तो वह उदों तक लेटता नहीं जब तक उसनू रेगिस्तान विच जाके जिथे वह उसनू चराउंदा सीगा उसनू लभ ना लवे जिहड़ा एक असच्चा याली हुंदा उदों तक वह सौंदा नहीं है जे उसनू पता लग जांदा ना भी मेरी 100 भेड़ा सीगियां 99 तो बाड़े दे विच ने लेकिन एक गैप हो गई है तो फिर एक अच्छा चरवाहा की करता नबी कहिंदा एक अच्छा चरवाहा उसनू लभदा आ जाके उहदे पिछे जांदा आ उसनू अंदर लिआउंदा है अते सब कुछ वाड़े विच हुंदा है तां याली अपने आप नू दराड़ विच लटा दिंदा है जदों अपनी भेड़ नू अंदर लिआउंदा आ फिर वह अपने आप नू की करदा आ दराड़ दे विच लटा लैंदा है भेड़ा अंदर आ ते अयाली अपने आप नू दराड़ दे विच लटा रहा आ तां अयाली अपने आप नू दराड़ विच लटा दिंदा है वह भेड़ा दा बूहा है हुण तुहानू पता आ जे कोई भी जानवर आवेगा ते वह की करेगा कोई भी जानवर आएगा उन्हें सब तो पहले अयाली के नाल लड़ना पैना है क्योंकि दरवाजे विच तो अयाली लेट गया चरवाहा लेट गया ठीक है ना नबी ने इस गल नूं बड़े ही साफ ते तरीके नाल समझाया है आराम नाल बैठना रौला ना पाओ वह भेड़ा का बूहा है कोई होर राह नहीं हुंदा एक वाड़ा हुंदा है जिस दे अंदर एक छत हुंदी है अते कोई भी चीज उन्हां भेड़ा तक नहीं पहुंच सकती जदों तक चरवाहे नूं पार नहीं कर लैंदी हुण देखो नबी ने किन्ना वधिया समझाया भी जदों तक कोई भी चीज चरवाहे दे उपर लंघ के नहीं जांदी वह अंदर नहीं वड़ सकदी उहनूं चरवाहे दे नाल पहलों लड़ना पैना है चरवाहे नूं पहले चरवाहा बूहे विच लेटिया होया ते चरवाहा की आ भेड़ां दा दरवाजा है ते इसे करके यीशु मसीह ने कहा सी मैं तुहाडा चरवाहा हाँ यीशु मसीह ने कहा आ राह सच्चाई अते जीवन मैं हाँ मेरे वसीले बिना कोई भी पिता दे राज विच दाखल नहीं हो सकता अते किन्ना जानदे हन किन्ने राहत वाली गल है किन्नी प्यारी गल है जदों असी उसकी देख रेख भी सुरक्षित हुंदे हां किन्नी प्यारी गल हुंदी जदों कोई बंदा यीशु मसीह दी देख रेख दे विच उपस्थित हुंदा है बड़ी ही महान गल आ भी खुदा उहनां नूं की कर रहा है उन्हां दी अगवाई कर रहा होवे अपने विश्वासी लोगों की अपनी भेड़ा की अच्छ खुदा की कर रहा अगवाई कर रहा नबी कहिंदा ये बड़ी ही प्यारी गल आ ये कोई छोटी गल नहीं आ वह दरवाजा बन जाता है
यीशु मसीह की बन जाता दरवाजा बन जाता जिसे यीशु मसीह के नाम से बसमा लेने हो पवित्र आत्मा का दान पाने हो तो यीशु मसीह ताड़ा की बन जाता दरवाजा ताड़े उपर कोई तंगी मुसीबत परेशानी जी आती है तो खुदा दरार दे विच खड़ा हो जाता है खुदा उस बीमारी दे विच खड़ा हो जाता है खुदा उस परेशानी विच खड़ी हो जाता है किन्नी महान गल है नबी ने बड़े ही साफ ते स्पष्ट तरीके ने इस गल्लां नूं समझाया है भी यीशु मसीह किदां अपने आप को कहता भी मैं दरवाजा है जैक आम अयाली हुंदा आ वह की करता अपनी भेड़ा की रक्षा करता दरवाजे से लेट के इसे तरह यीशु मसीह अपने लोगों की रक्षा कर रहा है ठीक है ना कोई फर्क नहीं पैंदा कि है सब कुछ चरवाहे द्वारा होके आना पवेगा कहना सब कुछ चरवाहे द्वारा ही होके आना पवेगा जे ये बीमारी है तो यह तुहाडे सुधार लिए हो सकती है नबी कहता जे ताडे उपर बीमारी पै गई आ एक भेड़ के उपर कोई बीमारी आ गई एक विश्वासी के उपर एक बीमारी आ गई ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਨਾ ਪਰਖ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਨਵੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਵਰਗੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬਚਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ
खुदा होर भी कुछ करता, मैं तुहानू अगे समझाऊंगा खुदा की करता है विश्वासी नाल। जिहड़ा कोई विश्वासी सुधरदा नहीं आ ते खुदा फिर की करता है। मैनू बस इस बारे मैं इस बारे दसना पसंद करता हाँ, कुछ भी तुहानू परेशान नहीं कर सकता जेकर तुसी खुदा दे भेडां वाले बाड़े विच हो। हुण नबी कहिंदा जे तुसी खुदा दे भेडां वाले बाड़े विच हो ते कोई भी तुहानू तंग परेशान नहीं फिर कर सकता। जे तुहानू कोई तंगी मुसीबत आती फिर उहदा जिम्मेवार कौन आ? खुद चरवाहा, वह अयाली, वह प्रभु यीशु मसीह उहदा जिम्मेवार आ। ठीक है ना? लेकिन शर्त की आ, तुसी वचन दे दायरे विच रहो बस। जे कोई बंदा वचन दे दायरे तो बाहर जांदा फिर वह नॉर्मल जी गल आ, मुसीबत विच पवेगा। लोकी कहिंदे असीं मुसीबत च पै गए। मुसीबत च पए क्यों? पहला अपना जीवन चैक करो भी तुसी मुसीबतां परेशानियां च पैंदे क्यों हो? क्योंकि तुसी वचन दे वाड़े चो बाहर चले गए। खुदा ने तुहानू कहा वचन दे विच रहो, तुसी वचन दे वाड़े विचो बाहर चले जाने हो। इस करके तंगियां मुसीबतां आंदियां हन। इस करके नबी कहिंदा तुसी खुदा दे भेटां वाले वाड़े विच हो, तुहानू कोई भी तंग परेशान नहीं कर सकता क्योंकि वह आप दरवाजा है, होर कोई रस्ता नहीं है। हर चीज़ नू उस द्वारा इजाजत लैनी पैनी है। जे कोई बीमारी ने आना आ, कोई दिक्कत परेशानी ने आना, हो सकता मौत भी तुहाडे उपर आवे, उन्होंने भी इजाजत लैनी पैनी है प्रभु यीशु मसीह को भी मैं हुण इहदे कोल जावां कि ना जावां। क्योंकि नबी कहिंदा कोई दुनिया की ताकत, कोई बीमारी तुहानू मार नहीं सकती जे प्रभु ना चाहे तां, ते कोई भी तुहानू बचा नहीं सकता। जे प्रभु ने तुहानू अपने कोल बुलाना तुहानू कोई नहीं बचा सकता, जिहड़े मर्जी डाक्टर को भज्जो तुसीं, सब कुछ प्रभु दे उपर निर्भर आ। इस करके नबी कहिंदा तुहानू भेडां वरगू गिणिया गया है। तुसी अपने आप नूं इन्ना क हलीम कर लो, खुदा दे वचन दे अगे कहो प्रभु जी मेरा जीवन तैनू समर्पित है, तू मेरे जीवन दे विच काम कर। लेकिन जदों बंदा एक विश्वासी कहिंदा ना भी मैं खुद फैसले करा, उदों तंगियां दे विच ते मुसीबतां च पैंदा है, उदों उहनूं तंगी मुसीबत पैंदी है। कई वार तुसी बीमार रहिंदे हो, नबी कहिंदा मैं बीमार क्यों हुंदा हाँ? कोई बंदा कहे जी मैं बीमार क्यों हुंदा हाँ, नबी इस गल नूं समझा रहा उसकी महिमा दे लई बीमार हो सकते हो। हो सकता प्रभु ने ताड़े तो अपनी महिमा करानी होवे। कई बार जदों अन्ने आदमी कोलों दी लंघ रहे सन तां चेलिया ने कहा किसने पाप किया? तुहानू पता प्रभु यीशु मसीह एक बार लंघ लिया सीगा प्रचार करदा करदा, ते की होया? उहदे चेले कहिंदे किसने पाप किया, इह अन्ना क्यों आ? इस आदमी ना जिसदे माता पिता ने पाप किया है, किन्ने पाप किया? अते यीशु ने कहा इस मामले विच ना तां उसने पाप किया ना उसदे मापिया ने पाप किया, यह इसलिए ही होया भी खुदा दे काम प्रगट होण। हुण जे लोग बीमार हुंदे आ खुदा को आंदे आ, शिफा पांदे आ, तां ही कहिंदे आ भी साडे प्रभु ने दया कीती आ। जे उह बीमार ही ना होण ते खुदा दी दया नूं समझ किदां सकणगे फिर? जे तुसी बीमार हुंदे तां ही तुसी खुदा दे उस दया नूं समझ पांदे हो भी खुदा ने लहू बहाया क्यों सीगा। ताडे पापा दे लई उहने लहू बहाया, ताड़ी बीमारियों के लिए उन्हें लहू बहाया। इस करके कई बार बीमारी ताड़े उपर आती ताकि उस चीज़ को तुसी समझ सको कि क्यों तुसी बीमार होने हो। ठीक है ना? तुसी जानते हो इतने बहुत सारा भेडा का भोजन है, बहुत सारा अजिहा भोजन है जो तुसी अपने भेडा देंदे हो जो उन्होंने मार देनगियां। अते मैं बहुत खुश हाँ कि खुदा ने बहुत ध्यान रखिया कि उसकी भेडा सही किस्म का अयाली मिले। जे एक अयाली है जिहड़ा सही ना मिले तो अपनी भेडा नूं मार सकता है। लेकिन नबी कहिंदा जे एक सच्चा अयाली आ ते उहनूं पता आ वी उह अपनी भेडा नूं कीवें चरावेगा, ते उह सच्चा अयाली है कौन, उहदा नाम भी पता होना चाहिदा। उह साडा प्रभु यीशु मसीह है सच्चा अयाली, जिहड़ा अपनी भेडा नूं की कर रहा चार दे आया। कादे नाल? वचन दे द्वारा। नबी कहिंदा इह खुदा दा वचन है। तुसी जानते हो कि भेडा का भोजन की है? भेडा का भोजन की हुंदा की तुहानू पता है? एक विश्वासी का भोजन की हुंदा है? बरकता, आशीषां, पैसा, धन दौलत नहीं, खुदा का वचन उहदा असली भोजन आ। एक विश्वासी बंदे का असली भोजन खुदा का वचन है। तुसी उहदा वचन खाओगे तो हमेशा नरोई रहोगे। जे तुसी उहदा वचन खाण तो इनकार करोगे तो हो सकता तुसी बीमारियां परेशानियां विच पओ। ठीक है ना? इस करके हमेशा ही खुदा दे वचन की गल्लां नूं मनना भी खुदा दा वचन की कहिंदा है। हुण उसने कहा कि सच्चा अयाली भेडां लई अपनी जान दिंदा है।
नबी कहिंदा सच्चा याली की करदा भेडा दे लई अपनी जान दिता जान दिंदा आ, पहाड़े का चरवाहा नहीं सुनेगा, जिहड़ा पहाड़े का चरवाहा हुंदा उह कदे वी तुहाडी गल नूं सुनेगा नहीं, उह भेडा नूं छड के भज जावेगा, पर सच्चा याली भेडा दे नाल बड़िया रहिंदा है। अते मैं बहुत खुश हाँ कि उसने इस शब्द कहे, वेखो मैं जुग दे अंत तीकर तुहाडे नाल हाँ। हुण यीशु मसीह ने की कहा सीगा, जिहड़ा अच्छा नबी कहिंदा जिहड़ा अच्छा याली हुंदा उह हमेशा अपनी भेडा नूं की करदा है, बचा के रखदा है, उह छड के नहीं भजदा। यीशु मसीह जदों इस धरती तों गया उन्हें की कहा सी अपने चेलियां नूं, मैं सदैव तुहाडे नाल रहांगा। ते की अज प्रभु यीशु मसीह दा इह वादा साडे नाल पूरा नहीं हो रहा, वह हमेशा तो साडे नाल है, उहदा पवित्र आत्मा साडे नाल आ, उहदा पवित्र आत्मा ही सानूं सिखांदा आ वी असीं किद्दां मसीह भोजन नूं खाणा आ। उसने इह शब्द कहे, मैं जुग दे अंदर तक जगत दे अंत तक तुहाडे नाल हाँ। जिन्ना चिर खुदा कोल इक भेड है, खुदा ने उस भेड़ की अगवाई करन लई इक चरवाहा रखिया है। कहिंदा जे खुदा कोल इक भेड़ आ ते उहदा चरवाहा उहदी अगवाई करन लई इक चरवाहा भी रखिया हुंदा उहने, इक सेवक भी रखिया हुंदा उहने, क्योंकि तुसीं सब की हो खुदा दी भेडां हो, ते खुदा अपनियां भेडां नूं इदां नहीं छड्दा, उहने इक चरवाहा रखिया हुंदा है जिहड़ा उहनां दी की करे अगवाई करे। उह चरवाहा पवित्र आत्मा नाल भरिया होया इक सेवक हुंदा है जिहड़ा की करदा तुहाडी अगवाई करदा है। सानूं किन्ने प्रसन्न होना चाहीदा है खुदा दियां भेडां जिन्हां दी अगवाई खुदा दा चरवाहा करदा है। कहिंदा तां तां खुश होना चाहीदा है वी उहनां भेडां दी अगवाई की कौन करदा आ, खुदा दा इक चरवाहा उहनां दी अगवाई करदा है, उहनां नूं संभाल के रखदा है, किन्नी महान गल आ। हुण यीशु मसीह ने कहा सीगा, थोड़े चिर पिछों संसार मैनूं ना वेखेगा पर तुसीं मैनूं वेखोगे। उन्हें अपने चेलियां नूं कहा सी वी थोड़े चिर पिछों संसार मैनूं वेखूगा नहीं क्योंकि मैं तां जा रहा इत्थों आया सीगा, लेकिन तुसीं मैनूं वेखोगे। किद्दां? वचन दे द्वारा कहिंदा तुसीं मैनूं वेखोगे, एक दूजे दे विच तुसीं मैनूं वेखोगे, क्योंकि खुदा ने जिहड़ा वायदा कीता सी 35 दे दिन वायदा पूरा होया ते 120 दी जमात उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया, ते उही पवित्र आत्मा अज साडे नाल भी है, उही पवित्र आत्मा साडे अंदर भी है, ठीक है ना। वो खुदा दा वायदा पूरा होया, कहिंदा वो तुहाडी अगवाई करांगा, तुहानू खवावांगा, तुहाडा मार्गदर्शन करांगा, संसार दे अंत तक तुहाडी की करांगा चरवाही करांगा। खुदा ने साडे नाल वायदा कीता, ते की खुदा साडे नाल जिहड़ा वायदा कीता उहनू पूरा नहीं कर रहा, वो अपने वायदे नू पूरा कर रहा आ। लेकिन यह वायदा किहदे लई विआ? ये वायदे ने जिन्ने बाइबल दे वायदे ने वह सिर्फ ते सिर्फ विश्वासियां वास्ते आ, ढोंगियां वास्ते कोई वायदा नहीं है, कोई भुलेखे च ना रहे, बकरियां वास्ते कोई वायदा नहीं है। खुदा दे वायदे आ सिर्फ ते सिर्फ उहदियां भेडां वास्ते, क्योंकि खुदा वचन कहिंदा मेरियां भेडां मेरी आवाज़ नूं सुणदियां हन। कौन सुणदा उहदी आवाज़ नूं? अज तुसीं जाओ संसार दे विच लोकां नूं कहो वी बाइबल आ बयान करदी आ, यीशु मसीह दे नाम च बसमा आ, फिर पवित्र आत्मा दा दान आ, इह आ मसीह जीवन। उहनां ने कहिणा असीं नहीं मनदे। क्यों नहीं मनदे लोक? क्योंकि उह भेडां नहीं हन। जिहड़ा बंदा यीशु मसीह दे नाम दे बसमे दा इनकार करदा वह खुदा दी भेड़ नहीं आ, वह शैतान आ, बकरी आ, संसार आ, वह जिहड़ा खुदा दे वचन नूं तुच्छ समझदा है। इस करके खुदा की करेगा फिर इहो जे लोकां नूं अग दी झील विच सुट्टेगा। इहदे धन है वह, मुबारक है वह मनुख जिहड़ा उहदी व्यवस्था दे उपर कन्न लाउंदा है, उहदे कम्मां नूं जाणदा वी खुदा किस तरह कम कर रिहा है, उहदे वचन दे पिछे पिछे चलदा आ, उहदी अगवाई दे हेठ चलदा, उह मनुख धन मनुख हुंदा। इस गल नूं हमेशा याद रखना। मैं सोचदा हाँ कि तुसीं उसदी उस अयाली दी कहानी सुनी होएगी जिसने एक बार अपनी भेड़ दी लत तोड़ दित्ती सी। बड़े ध्यान नाल सुनना, नबी कहिंदा तुसीं उस अयाली दी गल नूं कहानी सुनी आ जिन्हें अपनी भेड़ दी की कीती सी लत तोड़ दित्ती सी। एक अयाली सीगा, उहने अपनी भेड़ दी लत तोड़ दित्ती। इस बारे बहुत सारियां छोटियां छोटियां कहानियां सुनिया गईयां हन। अते इस अयाली नूं पुछया गया कि भेड़ ने पहाड़ तो डिग के अजिहा कीता। किसी ने पुछया उसनूं अयाली नूं कि भेड़ की लत किदां टुटी आ, इहने छाल मारती है, पहाड़ी तो छाल तां ही मारती इस भेड़ ने जिहड़ी इहदी लत टुट गई। उसने कहा नहीं, कहा की होया? उसने कहा मैं इसकी लत तोड़ी है। तुहानूं पता कई बारी जदों बंदा सुधरदा नहीं ते खुदा लत तोड़ दिंदा। फिर लोकां नूं इह गल बड़ी बुरी लगदी है जदों सुनाई जांदी है, वो कहिंदे साडे ते तवा ला दिता जांदा, लेकिन मैं नहीं कहिंदा, साडे युग दे नबी ने गल कही आ।
भी खुदा कई बारी उसने कहा मैं इसकी लत तोड़ दी है, कहा तुसी इसकी लत क्यों तोड़ी, ये ताड़ी भेड़ आ तुसी इसकी लत तोड़ी क्यों, कि तुसी एक जालमयाली हो, कि कहता तुसी एक जालमयाली हो तुसी इसकी लत तोड़ दी। उसने कहा नहीं मैं भेड़ नू प्यार करदा, कहिंदा मैं भेड़ नू प्यार करदा, यीशु मसीह अपनी भेड़ा नू प्यार करदा, जदों दी भेड़ा सुधरदियां नहीं आ फिर वह की करदा बीमारियां भेजदा, छोटी बीमारी भेजदा, नहीं सुधरी होर बीमारी भेजती और लत तोड़ दिंदा फिर एक विश्वासी, क्योंकि जिहड़ी उहदी भेड़ आ उहदा विश्वासी बंदा उह सुधरदा नहीं है, उह फिर बीमारियां परेशानियां भेज के उहनूं सतांदा आ ताकि इहदा सुधार होवे। उसने कहा नहीं मैं भेड़ नू प्यार करदा हाँ, पर भेड़ मेरे कोल भज्जण लग पई सी अते उह अपने आप भटकदी फिरदी सी। नबी कहिंदा उह भेड़ की सी भटकण लग फिरदी सी, भटक रही सी इधर उधर, अयाली कोलों भज रही सी, इस करके अयाली नूं पता सी जे किते शेर ने इहनूं फड़ लिया या बघियाड़ ने इहनूं फड़ लिया तो इहनूं तां मार दू, किते संसार च वड़ गई संसार दा पाणी नूं डुबो दू, इस करके उस अयाली ने की कीता उहदी लत तोड़ दित्ती। इस करके अज जिहड़े किसी दे उपर तंगियां मुसीबतां आउंदियां खुदा वल्लों ही आउंदियां है ताकि तुसीं सुधार कर सको, क्योंकि बंदे की करदे अपना सुधार नहीं करदे, वचन सुनिया इधरों सुनिया तो इधरों कढ दित्ता, कुछ याद नहीं रहिंदा वचन का की कहा गया, क्योंकि तुहाडे अंदर खुदा का वचन काम ही नहीं करता, क्योंकि तुहाडा सुभा एक भेड़ के सुभा वर्गा नहीं है। वह कहिंदा अते अपने आप भटकदी फिरदी सी अते मैं भेड़ा के सुभा नूं जाणदा हाँ अते मैं जाणदा हाँ कि जे वह बहुत दूर भटक जाए तो बघियाड़ उसनूं लै लवेगा, कहिंदा जे वह बहुत दूर भटक जाए तो बघियाड़ उसनूं लै लवेगा। यह संसार की है बघियाड़ा, जे तुसी खुदा दे वचन तो भटक गए तो तुहानूं उन्हें मार देना फिर। इसलिए भेड़ नूं अपने कोल रखण लई इसनूं अपनी बुक्कल वल खिंचण लई इसनूं थोड़ा जिहा विशेष भोजन देण लई मैनूं इसकी लत तोड़नी पई। फिर वह याली ने कहा मैं तां इहदी लत तोड़ी आ वी जदों इहदी लत तोड़ूंगा मैं इहने चुप करके बह जाणा, फिर इहनूं जो खवाऊंगा पौष्टिक आहार इहने खा भी लैणा है, इदां तां इहने खाणा कुछ नहीं है। इसनूं थोड़ा जिहा विशेष भोजन देण लई इसनूं इसकी लत तोड़नी पई अते मैं इस ते इन्ना कृपालू होवांगा कि जदों इसकी लत ठीक हो जाएगी तो यह मैनूं कदे नहीं छड्डेगी। इसे तरह जदों खुदा का कोई विश्वासी जन हुंदा जदों सुधार दे विच नहीं आता खुदा फिर उहनूं तंगियां मुसीबतां नाल ताड़दा, तो जदों उहनां तंगियां मुसीबतां तों बाहर निकल के तौबा करदा फिर वह प्रभु दे नाल प्यार रखदा है। एक संदेश च भाई ब्रैनम ने कहा सीगा वी एक अयाली सीगा उहनूं किसने कहा तू इहदी लत तोड़ी आ, कहिंदा हाँ जे लोड़ पवेगी दूजी लत वी तोड़ दूंगा मैं, क्यों ताकि वह इधर उधर भज्जे ना। इस करके जदों तुहाडे ते तंगियां आ रही मुसीबत आ रही बीमारियां पै रही तो समझ लो खुदावंद तुहाडा सुधार करना चाह रहा है, फिर तुहानूं की करना चाहिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु मैं इधर उधर नहीं भजागी मैं इधर उधर नहीं भजागा, ठीक है मैं तेरे वाड़े दे विच रहांगा तेरे वाड़े विच रहूंगी। जदों तुसीं खुदा दे वचन दे विच रहोगे फिर खुदा तुहाडा जिम्मेवार बन जाता, कौन जिम्मेवार है तुहाडा जदों तुसीं खुदा दे वचन च बने रहिंदे हो खुदा तुहाडा जिम्मेवार बनता, फिर जदों तुसीं खुदा दे वाड़े विचों बाहर जाते हो तो तुसीं शैतान दे हत्थां विच चले जाते हो, कोई भी बघियाल आके तुहानूं फिर खा सकदा तुहानूं मार सकदा है। इस करके हमेशा एक भेड़ वांगू हलीम ते वचन दे उपर आमीन बोलण वाला तुहाडा जीवन होना चाहिए। इस करके नबी ने संदेश प्रचार किया सीगा भेड़ा का चंगा अयाली, ये प्रचार साडे भाई ब्रैनम ने 8 मार्च 1957 एरीजोना USA दे विच प्रचार किया। भेड़ा का चंगा अयाली कौन हुंदा है किद्दां दा हुंदा है, इस करके उन्हें सानू अपनियां भेड़ा नूं की किया आ विश्वासी लोगों भेड़ा दे नाल कैंप जोड़िया आ कंपेयर किया भी किद्दां एक भेड़ का सुभाव हुंदा किद्दां एक विश्वासी का सुभाव हुंदा है, ये तुहानूं समझ होनी चाहिए तुहाडा जीवन किद्दां दा होना चाहिए। नबी ने कहा कई बार खुदा सानू बीमारियां रोगां अते दुखां नाल मारदा है, उसनू मारना पैंदा सानू कई बारी बीमारियां नाल रोगां नाल दुखां नाल तां जो सानू अपनी बुक्कल विच लै सके। तुहानूं पता जदों बंदा सही हुंदा बंदे प्रार्थना भी नहीं करदे, लोग कुछ नहीं करदे, जदों मुसीबतां बीमारियां परेशानियां आउंदी फिर प्रभु सानू बचा ला, फिर प्रभु कहिंदा कोई गल नहीं हुण तूं इदां ही काबू आएगा। इस करके खुदा तुहानूं फिर तंग करना शुरू कर दिंदा है
ताकि सानू अपनी बुक्कल विच लै सके ते सानू ए साबित करन लई कि वह अजे भी प्रभु यीशु है अपनी जी उठन वाली रब्बी शक्ति दा एक छोटा जिहा खास स्पर्श देवे अते आदमी जो कदे भी खुदा द्वारा चंगा कीता गया है वह जानता है कि खुदा की है वह भटकदा नहीं चाहेगा। जिहड़ा खुदा द्वारा चंगियाई प्राप्त करदा बंदा फिर उहनूं पता हुंदा भी खुदा दे अंदर पावर किहड़ी आ उह फिर कदे खुदा नूं छड्ड के नहीं जावेगा वह भटकना नहीं चाहेगा। यकूब ने स्पष्ट किया कि उसने कहा निश्चय दी प्रार्थना बीमार नूं बचावेगी खुदा उन्हां नूं ठीक उठा खड़ा करेगा अते जेकर उन्हां ने पाप किते हन तां उह ए उन्हां दे माफ कर दिते जाणगे। जे उन्हां ने पाप भी किते आ ते उन्हां दे पाप की होणगे माफ कर दिते जाणगे। यकूब ने गल कही उन्हें स्पष्ट किया सी इस नूं अते जेकर उन्हां ने पाप किते हन तां उन्हां नूं माफ कर दिते जाणगे। कहना जो उन्होंने पाप भी किए तो भी माफ कर दिए जाएंगे लेकिन शर्त की है तुम वचन के दायरे में आना पैना है अपने आप को समर्पित करना पैना है तो उन्होंने पाप माफ कर दिए जाएंगे। खुदा का चरवाहा जानता है कि उस भेड़ों की देखभाल किवें करनी है। जिहड़ा खुदा का चरवाहा होंदा ना उन्हें पता होंदा भी भेड़ों की देखभाल करनी किता है किस तरह उसको खाना खाना सब पता होंदा है। और नबी कहता कई बारी तुसी हैरान हुंदे हो एक छोटी माँ कहता हैरान हुंदी है कई बारी उसका छोटा बच्चा तुहाडियां बाहां तो खो के मौत वाल लै लिया जाता है। नबी कहता कई बारी मावां तो उसका बच्चा खो लिया जाता है मौत वाल लै लिया जाता है। ठीक है मौत वाल लै लिया जाता है कि हाँ लेले नाल की मामला है। कहना वो बच्चा लै लिया जाता है एक भेड़ का बच्चा जो लै लिया जाता है याली हों जो भेड़ के बच्चे चक लैंदा तो भेड़ फिर वो मगर मगर चलती है क्योंकि उन्होंने पता होंगे मेरा बच्चा याली ने चक्या। इस तरह नबी कहता जो किसी माँ तो उसका बच्चा लै लिया जाता है तो फिर वो मौत में लै लिया जाता फिर वो खुदा वल वेखदी। इस तरह जो जी भेड़ होंगी बच्चा जो अयाली अपनी गोदी च चक लैंदा तो भेड़ की करती पिछे पिछे चलती वाल देखती रहती पता होंगे मेरा बच्चा इन्हें चक्या है मेरा बच्चा इन्हें चक्या वह ध्यान फिर वो वाल ही हों सारी दिहाड़ी। कहा लेले नाल कोई गड़बड़ी नहीं जिहड़ा लेला खुदा ने लै लिया आ उहदा कोई गड़बड़ी नहीं आ। गड़बड़ी किहदे नाल आ नबी कहिंदा गड़बड़ी मादा मादा भेड़ माँ दे नाल है। उसने कहा वह इस तरह की हो गई है कि हुण मेरी गल नहीं सुनदी। कई बार विश्वासी लोग जदों गल्लां नहीं सुनदे तो प्रभु उन्हां नूं तंगियां ते मुसीबतां च पा दिंदा है हुण वह मेरी गल नहीं सुनती इसलिए मैनू बस एटा पहुँच के उसके लेले नूं चुकना पिया अते हुण वह सारा दिन मैनू वेखदी रहती। पहले भेड़ उहदे वल देख नहीं रही सी प्रभु वल लेकिन प्रभु कहिंदा जदों मैं उहदा बच्चा चुक लिया तो वह मेरे वल वेखण लग पई। नबी ने इस गल नूं समझाया जदों कोई भेड़ तुसीं वैसे भी देख लो जदों भेड़ का बच्चा तुसीं चक लोगे तो उहदी माँ हमेशा तुहाडे पिछे पिछे आऊगी। फिर खुदा नूं सुधारना आंदा लोगों नूं सुधारना कितना है फिर लोग कहिंदे साडे ते मुसीबतां आ गईआं साढ़े ते तंगियां आ गईआं साढ़े उत्ते बीमारियां आ गईआं साढ़े उपर मौत आ गई फिर खुदा ही करदा सारा कुछ बंदे नूं सुधारन वास्ते। कदे कदे खुदा नूं अजिहा करना पैंदा है वह बेचारियां छोटियां छोटियां भटकण वालियां मावां पार्टियां लई बाहर जांदियां हन। नबी कहिंदा कदे कदे खुदा नूं इस तरह करना पैंदा है क्यों करना पैंदा कहिंदा छोटियां मावां जदों बाहर भटकदियां हन पार्टियां ते जांदियां हन भज्जियां फिरदियां हन आले दुआले दौड़दियां हन और छोटे छोटे बच्चे का गलत तरीके नाल परवरिश कर दियां हन। बच्चे का परवरिश कितना करूँ जो बचन तो बार आप खुद एक माँ होगी और परवरिश भी गलत करूँगी। कई बारी यीशु नूं उस लेले नूं लेना पैंदा है ता जो तुसी उपर वल वेखण लग जावो अते फिर जे तुसी ए नहीं सुनदे हो तां बगैर तुहानूं भी लै लवेगा। बच्चा तां लै लिया खुदा ने फिर भी बंदा नहीं सुधरिया फिर खुदा की करता फिर बघियाड़ के हाथ उस बंदे नूं भी देता उस भैन भाई नूं देता ताकि शैतान फिर तुहानूं मार सके क्योंकि खुदा के वचन तो बाहर मौत ही मौत आ। यह साफ तो स्पष्ट गल है इस गल नूं तां सारे जानते हैं जिहड़े वचन से चलते वह भी जानते जिहड़े वचन से नहीं चलते वह भी जानते हैं। जे कोई खुदा के दायरे में रहेगा जे वह मर भी जाए तो खुदा का वचन कहता मैं उन्हें जिंदा खड़ा कर देवांगा। ठीक है ना नबी ने कहा अयाली बारे एक होर गल है अयाली किदां दा हुंदा है एक सेवक किदां दा हुंदा है हमेशा ड्यूटी ते हुंदा है। नबी कहिंदा ओह हमेशा ड्यूटी ते हुंदा है कि तुसीं जाणदे हो भेड़ां दा चरवाहा दिन रात उहनां दे नाल हुंदा है जिहड़ा भेड़ां दा चरवाहा हुंदा दिन रात उहनां दे नाल रहिंदा है
कि खुदा का वचन दिन रात तुहाडे नाल नहीं आ, तुसी सो रहे हुंदे हो उदों भी खुदा का वचन तुहानू संभालदा सुते पियां नूं, तुसी किसे सफर ते हुंदे हो उदों भी खुदा का वचन तुहानू संभालदा आ। ओह इह कहिंदा चंगा चरवाहा हमेशा अपने भेडां दी अगवाई करदा आ। इस करके यीशु मसीह ने कहा सी मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा। हुण रखिया तां उहदी हुणी जित को पवित्र आत्मा आ, कोई भुलेखे विच ना रहे। लोग अज भुलेखे च रहिंदे आ, लोकी स्टेटस लांदे आ फोनां ते, यहोवा मेरा चरवाहा है, ते जीवन दे विच उस बंदे दे कोई काम ही नहीं हुंदा, सिर्फ की हुंदा फोन वाला विश्वासी बंदा अज बनिया। इहो जिहे लोकां नूं भी खुदा पसंद नहीं करदा जिहड़े फोन ते भगती करी जांदे आ, फोनां ते स्टेटस ला के कही जांदे आ भी यहोवा मेरा चरवाहा है मैनूं बचा के रखूगा। उह फोनां ते स्टेटस ला के अपने आप नूं भगत लोग समझ रहे आ, इह सारा कुछ गलत आ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਲਵਾਂ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲਚੇ ਰਾਹੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭੇਡ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜੇ ਚਰਵਾਹਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ 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 ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਰਨਹਾਰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਲੱਭਦਾ ਆ,
नक का उधर सारा मांस लग जाता, कीड़े खा जाते। इसे तरह वह कह रहा उसका शरीर ढल चुकया, नक झड़ गया, चम के कीड़े उसनु खा रहे सन, पर मुख आली कबर उत्ते आ गया। जिहड़ा मुख आली सीगा यीशु मसीह कबर के उत्ते आ गया, अते वो अपनी भेड़ा नु नाम तो जानता है। यीशु मसीह अपनी भेड़ा नु नाम तो जानता है। उन्हें की किया, लाजर कबर के विचों बाहर आ जा, अते जेकर वो तुहाडा नाम बोलता है अते तुहानु बुलाउंदा है तां तुसी जवाब दिंदे हो। कौन जवाब दिंदा है? बकरी जवाब नहीं दे सकती, लेकिन भेड़ हमेशा जवाब देती, क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के नाल गलबात करता। तो भेड़ की कहती है? प्रभु ये वचन बाइबल च मेरे लिए है। वो ये नहीं कहता, विश्वासी बंदा एक भेड़ ये नहीं कहती कि वचन मेरे लिए नहीं है, ये खुराक मेरे लिए नहीं है, क्योंकि नबी कहता भेड़ा की खुराक की आ, विश्वासी की खुराक सिर्फ से सिर्फ वचन आ। ताड़ी खुराक की है, जे तुसी एक विश्वासी हो ताड़ी खुराक की है, खुदा का वचन ताड़ी खुराक आ। इस संसार की दोस्तियां ताड़ी खुराक नहीं है, इस गल्ल नूं हमेशा याद रखना है। ताड़ी खुराक सिर्फ ते सिर्फ खुदा का वचन आ। कहिंदे कबूतर दे अंदर पिता नहीं हुंदा, जे कबूतर मांस मूस नहीं कुछ खा सकता, वो कोई गलत चीज़ या गंदगी वाली चीज़ नहीं खाता। इसे तरह खुदा के पवित्र लोग जे कुछ गलत खाणगे तो मारे जाणगे। खुदा के पवित्र लोग हमेशा वधिया भोजन खाते हैं, तो वधिया भोजन की है? वधिया भोजन प्रभु यीशु मसीह का जिउंदा वचन है, जिहड़ा भेड़ ने खाना हमेशा। जे तुसी कुछ होर खाने हो वचन तो अलावा, तो जरूरी है तुसी मारे जावो, जरूरी है कि तुसी मार दिते जावो। फिर लाजर चार दिनों का मुर्दा सी, उसका शरीर गल चुका सी, पर अयाली बोलिया अते विनाश अपने मालिक नूं जानदा सी, अते जो प्राण चार दिनों की यात्रा से सी उस शरीर में वापस आ गए। हुण जिहड़े प्राण चार दिन की यात्रा से गए सी, जदों अयाली ने प्रभु यीशु मसीह ने पुकारिया लाजर कबर के विचों बाहर आ, कि अज प्रभु यीशु मसीह पुकार नहीं रहा, हे मेरी प्रजा बाबल विचों बाहर आ जा। वह मुरदिया नूं कि अज जिउंदा नहीं कर रहा, अज भी जिउंदा कर रहा, क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहना पहला कूच मूसा के द्वारा होया, दूजा कूच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होया, ते तीजा कूच साडे भाई विलियम मैरिन बैन के द्वारा होया, तीजा कूच भाई ब्रैनम के द्वारा होया। तो अपने नबी दे विचों बोलिया, हे मेरी प्रजा बाबुल दे विचों बाहर आ जा, उस गड़बड़ी दे विचों बाहर आ जा। ते जिहड़ा बाहर आया फिर साफ ते स्पष्ट गल उहनूं वचन दे विचों ही खाना पवेगा, वो अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं खा सकता बंदा, क्योंकि बहुत लोग मिस्र दे विचों तां बाहर आते हैं, मिस्र विचों बाहर आ जाए, लेकिन मिस्र उहनां विचों बाहर नहीं जाता। तुहानूं पता जी तुसीं मूसा की किताब पढ़ते हो, मूसा जदों इजराइलियां नूं बाहर कढ़ के लिआया मिस्र दे विचों, ते रली मिली भीड़ बाहर आई, कुछ इजराइली सी कुछ मूचे दूजे लोग भी सीगे, लेकिन फिर भी मिस्र उन्हां विचों बाहर नहीं आया, ते प्रभु ने सारे दे सारे मार दिते गए। लेकिन यहोशुआ ते कलेब उस देश विच पहुंचे, उस वादा कीती हुई धरती विच पहुंचे। नबी कहिंदा उह दो खुदा दे छोटे छोटियां भेड़ां सीगियां जिन्हां ने खुदा दी आवाज़ नूं सुनिया, ते अपने सेवक दे पिछे मूसा दे पिछे पिछे चलते रहे। उन्होंने नहीं कहा भी असं कि उस देश में जितांगे, क्योंकि जो खोज कढ़ने वाले उस देश में गए तो उन्होंने मूसा नूं आके कहा उत्थे दे लोग बड़े उच्चे लंबे आ, असी नहीं जित सकते उन्होंने। तो यहोशुआ ने की कहा, कलेब ने की कहा, नहीं खुदा ने साडे नाल वायदा किया उस देश में जरूर लवेंगे। जिहड़े खुदा के लोग होंगे विश्वासी होंगे, हमेशा याद रखना मुसीबतां भावें जिन्नी मर्जियां वड्डियां होण, परेशानियां जिन्नी मर्जी वड्डियां होण, खुदा के लोग ना मुसीबतां ना परेशानियां ना बीमारियां तो डरते हैं। इस गल्ल नूं हमेशा याद रखना है, जिहड़ा असली विश्वासी हुंदा मुसीबतां तो नहीं डरदा। यहोशुआ कलेब नहीं डरे, वह वड्डे वड्डे उच्चे कद वाले लोगों तो, उन्होंने जो आक्रमण किया उस जगह दे विच ते सारे नूं मार के उस देश ते की किया कब्जा किया, क्योंकि खुदा ने कहा सी मैं तुहानूं ये देश दे दिता है। इस करके हमेशा खुदा के वचन से विश्वास करना। तो नबी कहता जिहड़ा लाजर सीगा उसका उसके उपर मसाले पाए गए सी, उहदे अंदर कोई खून नहीं सी, सैल टुट चुके सन, वह कबर विच सैल गल चुका सी, पर जीवन के चरवाहे ने अपने लेले का नाम पुकारिया अते उसका लेला थोड़ा जिहा मिनमिनाया अते कहा मैं हाजिर हाँ। वो बाहर आ गया, जदों यीशु मसीह कहता बाहर आ जा, कबर के विचों बाहर आ गया। अज भी यीशु मसीह लोगों नूं बाहर कढ रहा है, वो कहता इस संसार के विचों बाहर आ जाओ, इस संसार के मित्रचारे विचों बाहर आ जाओ। अज भी प्रभु यीशु मसीह मुरदे जिउंदा करता है, अज भी उही खुदा जो कल सी, क्योंकि यीशु मसीह कल अज अते युगां नूं युग इको जिहा खुदा आ, वह कदे बदलता नहीं है। इस करके हमेशा तुसी खुदा के वचन वल ध्यान देना, कदे भी खुदा के कोलों दूर नहीं जाना,
नबी कहता इसी तरह मूसा एक महान चरवाहा सीगा, मूसा ने अपने लोगों की अगवाई की, मूसा महान याली ने मिस्र तो फलिस्तीन तक हर एक सच्चे लेले की अगवाई की, उन्हें हरेक बंदे की हरेक भैन भाई की उन्हें अगवाई की, उसने कदे भी उन्होंने एक नू भी नहीं गवाया, कदे भी एक नू नहीं गवाया उन्हें उस समय, ना ही वह कदे भुखे रहे, ना ही उन्होंने कपड़िया के धागे निकले, मूसा अयाली ने उन्होंने अगवाई की, यकीनन वह मसीह का नमूना सी। नबी कहता मूसा कौन सी, मसीह का नमूना सी, मसीह का नमूना सी, यकीनन वह जिहड़े उसके मगर चलणगे कदे नाश नहीं होणगे, चरवाहे के पिछे चलो जिहड़े यीशु मसीह के पिछे चलणगे कदे नाश नहीं होणगे। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारयां नूं बरकत दे, आओ प्रार्थना करदे हां। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, इस छोटे संदेश लई तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू अपने वचन के द्वारा सब नूं समझाया भी एक भेड़ ते एक विश्वासी का जीवन किदां मेलजोल खांदा है। खुदावंदा इदां कि भेड़ अपनी अगवाई आप नहीं कर सकती, कि विश्वासी भी अपनी अगवाई आप नहीं कर सकता, उसके लिए उसनों खुदावंदा एक चरवाहा चाहिए हुंदा है, खुदावंदा एक अयाली चाहिए हुंदा है, तो प्रभु यीशु मसीह ताकि उन्होंने अगवाई हो सके। प्रभु यीशु मसीह जिन्हां ने इस वचन को सुनिया मैं विश्वास करदा अपने जीवन में सुधार लियाणगे, तो हमेशा जीवन के वृक्ष विचों खाणगे, वो कदे भी बकरियां विचों नहीं खाणगे खुदावंदा, वो संसार विचों नहीं खाणगे खुदावंदा, वो हमेशा तेरे वचन विचों खाणगे। तू दया कर, कृपा कर, क्योंकि क्या है मेरिया भेड़ा मेरी आवाज नूं सुनदियां हन, ते सचमुच खुदावंदा तेरे लोग तेरी आवाज नूं सुनदे हन खुदावंदा, ते तेरे पिछे चलदे हन, जिहड़े तेरे पिछे नहीं चलदे प्रभु जी वह गवाह हन कि वह भेड़ा नहीं हन, वह बकरियां हन, ते बकरियां संसार नूं दर्शांदियां हन खुदावंद। ते प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आ रहे अपनी दुल्हन नूं लैण, प्रभु यीशु मसीह तुसीं जल्दी आओ, तुहाडी दुल्हन तुहाडा इंतजार करदी है, जे तक तुसीं नहीं आंदे असीं इसे तरह तुहाडी महिमा ते वड़ाई करी जावांगे खुदावंद। दया करो, कृपा करो, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। Hallelujah.